बालाकंड से हूँ। जो स्कूलों का मुद्दा पिछले 1.5-2 साल से, जब से कोरोना भारत में आया है तब से ये चल रहा है, स्कूल बंद पड़े हैं। मैनेजमेंट का कहना है, स्कूल की मैनेजमेंट्स का कहना है कि भी जो पेरेंट्स हैं उनसे फीस मांगी जा रही है। मैं इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि जब स्कूल बंद पड़े हैं तो एनुअल फ़ीस किस बात की? एनुअल फ़ीस तो मांगी जा रही है, उसके बाद उसको इंक्रीज़ भी किया जा रहा है। पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर स्कूलों में बच्चे जा ही नहीं रहे हैं तो एनुअल फ़ीस किस बात की और उसमें इंक्रीमेंट किस बात का? तो मैनेजमेंट को सरकार के साथ मिलकर बातचीत कर कर पेरेंट्स को राहत देनी चाहिए। और ये जो एनुअल फ़ीस हर साल बढ़ा दी जाती है, ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे, जो पहली महंगाई से जूझ रहे हैं उन पर एक ये वार है। और एक इसमें बात और जोड़ना चाहूँगा, स्मार्ट क्लासेस के भी पैसे बीच में जोड़े जा रहे हैं। स्मार्टफोन लेने के लिए बच्चों को और पेरेंट्स को दबाव बनाया जा रहा है। अब कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने घर का खर्चा मुश्किल से चला पाते हैं, वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन्स जो आजकल बड़े महंगे हैं वो कैसे लेके देंगे? या तो वो स्मार्टफोन लेके देंगे या वो उनका पालन पोषण करेंगे। तो मैनेजमेंट को और स्कूल को चाहिए कि ये जो स्मार्टफोन और ये जो एनुअल फ़ीस की जो बढ़ोतरी की गई है इसको वापस ले। और कोविड के दौरान जो पेरेंट्स, मैनेजमेंट को चाहिए था कि जो पेरेंट्स नहीं बच्चों को पढ़ा पाते उनको फ्री पढ़ाना चाहिए था, पर ये जो मैनेजमेंट है ये और पैसा वसूली कर रही है, जो सरासर गलत है। कि मुख्य स्कूलों के जो निजी स्कूल हैं उन सब के अभिभावक हमारे पास एकत्रित हुए थे। हमने एक इनका एक मंच बनाया है, स्कूल अभिभावक एकता मंच हरियाणा। उस मंच में हमने एक फंड क्रिएट किया है, क्योंकि आम व्यक्ति जब उसको कोई दिक्कत होती है तो न्यायालय का मुख करता है, न्यायालय में जाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है। हमने वो फंड क्रिएट किया है, उस फंड में 50,000 का योगदान मैंने देने की बात कही है। प्लस अगर हम देखें तो अम्बाला कैंट और सिटी के तकरीबन 35,000 स्टूडेंट्स जो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, और एक एक स्कूल का अभिभावक अगर 10 रुपये भी डाले उस फंड के अंदर तो 3.5 लाख रुपये होते हैं, 100 रुपये डाले तो 35 लाख होते हैं। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, वकील के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। कम से कम ये निजी स्कूल के अभिभावक हैं, ये पैसे की कमी करके कहीं मार ना खाए, इसलिए आज हमने इस फंड का क्रिएट किया।